नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लगातार दूसरे महीने सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर, 62.50 रुपए की कटौती। जी हाँ दोस्तों, लगातार दूसरे महीने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती की गई है। पहली अगस्त से ग्राहकों को इस कटौती का फायदा मिलेगा। दरअसल बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 62.50 रुपए की कटौती की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने की वजह से ग्राहकों को राहत दी जा रही है। ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन ने कहा है कि बिना सब्सिडी या फिर बाजार कीमत वाले एलपीजी की कीमत 574.50 रुपए प्रति सिलेंडर होगी। नई दरें बुधवार की आधी रात से लागू हो जाएगी। इससे पहले 1 जुलाई से बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 150 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है। कुल मिलाकर के पिछले एक महीने में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 163 रुपए की कटौती हुई है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर का दाम घटने का असर सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर लेते समय किए जाने वाले भुगतान पर पड़ेगा। उपभोक्ता को अगस्त में 14.2 किलो का सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर लेते समय अब उन्हें 574.50 रुपए तक का भुगतान करना होगा। जुलाई में इससे पहले 637 रुपए चुकाने पड़ते थे। गौरतलब है कि हर महीने की पहली तारीख को कंपनी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है। इसी कड़ी में लगातार 2 महीने में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कटौती की गई है। हालांकि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में बिना तरह के बदलाव किए गए हैं। दिल्ली में फिलहाल एलपीजी सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 497.37 रुपए है और यह पहले 1 जून को सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया एक कट एवव गेम, एयर स्ट्राइक तक दे सकते हैं अंजाम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने आज मोबाइल वीडियो गेम लॉन्च किया है। IAF एक कट एवं नाम से यह गेम में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक और दुश्मन की सीमा में घुस करके विमान गिराया गया है। वायुसेना ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि गेम ISO और एंड्रॉइड दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम से खेला जा सकता है। अधिकारी ने कहा है कि गेम में कुल 10 मिशन है और प्रत्येक मिशन के 3 सब मिशन है। वायुसेना ने इस गेम का मकसद बच्चों को वायुसेना में पायलट बनाने के लिए आकर्षित करना है। इंडियन एयरफोर्स एक कट एवं में वायुसेना के ऑपरेशन के अलावा भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुखोई MiG-29 और तेजस को भी शामिल किया गया है। वायुसेना के मुताबिक इस गेम में उस मिशन और ऑपरेशन को शामिल किया गया है जिसे खुद भारतीय वायुसेना ने अंजाम दिया है, ताकि खेलने वाले को लगे कि वे खुद इसमें शामिल है। अभी तक 3D गेम को एक ही खिलाड़ी खेल सकता है, लेकिन अक्टूबर में वायुसेना दिवस के मौके पर इस पर मल्टीप्लेयर गेम पर बदल दिया जाएगा, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय मोबाइल गेम PUBG की तरह होता है। आपको बता दें कि 5 साल पहले भी भारतीय वायुसेना ने अपना एक मोबाइल गेम लॉन्च किया था जिसका नाम गार्डियन ऑफ द स्काई था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि ओसामा बिन लादेन के बेटे हजमा की मौत, अमेरिकी अफसरों ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अलकायदा के चीफ रहे ओसामा बिन लादेन के बेटे हजमा बिन लादेन की मौत हो गई है। 3 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले देते हुए मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने खुफिया जानकारी प्राप्त की है कि ओसामा बिन लादेन के बेटे मारा जा चुका है। इसी साल मार्च महीने में अमेरिका ने हजमा बिन लादेन का पता लगाने वाले को लगभग $10 लाख पुरस्कार देने का ऐलान किया था। अमेरिका ने कहा है कि हजमा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उस पर हमले की साजिश रच रहा है। इसी को देखते हुए इतने बड़े पुरस्कार का ऐलान किया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हजमा बिन लादेन का नाम अपनी प्रतिबंध सूची में डाल दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अमेरिका की ओर से हजमा को लेकर के कई बड़े फैसले लेने के बाद सऊदी अरब ने भी हजमा की नागरिकता पूरी तरीके से रद्द कर दी थी। पिछले कई सालों से जिहाद के क्राउंसिल प्रिंस के नाम से कुख्यात हजमा बिन लादेन के ठिकानों को ढूंढने की कोशिश अमेरिका कर रहा था। उसके बारे में कभी पाकिस्तान तो कभी अफगानिस्तान तो कभी ईरान में छिपे रहने की खबर आ रही थी। हजमा ओसामा की 3 जीवित पत्नियों में से एक खैरिया सबार का बेटा है जो इटाबाबाद के अपने पिता ओसामा बिन लादेन के साथ रह रही थी। आपको बता दें कि 2011 में पाकिस्तान ने अमेरिकी नेवी सील के उस अभियान में वह बच निकला था जिसमें से
ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था। हजमा बिन लादेन की उम्र अभी 30 साल है। वो 1989 में सऊदी अरब के जुहाद में पैदा हुआ था। हजमा बिन लादेन ने शादी मोहम्मद अता की बेटी से हुई है और अता जो वो शख्स है जिसने 9/11 हमले में कमर्शियल एयरक्राफ्ट का अपहरण किया गया था और बाद में इसी प्लेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि जोमैटो बोला खाने का धर्म नहीं, उबर इट्स ने कहा हम साथ साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फूड सर्विसेज वेबसाइट जोमैटो ने गैर हिंदू डिलीवरी बॉय से खाना लेने से इनकार करने वाले शख्स को शानदार जवाब देते हुए देश भर का दिल जीत लिया है। देश भर में जोमैटो ने समर्थक में लोग खड़े हुए हैं। वहीं एक अन्य ऑनलाइन फूड सर्विस वेबसाइट उबर इट्स इंडिया ने भी जोमैटो के साथ खड़े रहने पर बातचीत की है। उबर इट्स इंडिया ने ट्वीट कर किए उसके साथ रहने को कहा है। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ग्राहक ने जोमैटो के डिलीवरी बॉय से सिर्फ इसीलिए खाना नहीं लिया क्योंकि वह मुस्लिम था। बाद में जोमैटो की तरफ से इस व्यक्ति को करारा जवाब दिया गया है। पहले यह जवाब जोमैटो ने अपने ट्विटर अकाउंट से दिया और बाद में जोमैटो का फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने भी दिया है। जोमैटो ने लिखा है कि खाने का कोई धर्म नहीं होता है, खाना खुद एक धर्म है। इसके अलावा दीपेंद्र गोयल ने ट्वीट करके लिखा है कि हम भारत के विचारों और हमारे ग्राहकों पार्टनरों और विविधता पर गर्व करते हैं। हमारे इन मूल्यों की वजह से अगर बिजनेस को किसी तरह का नुकसान होता है तो हमें इसके लिए बहुत दुख है। आपको बता दें कि यह मामला मंगलवार की रात है। अमित शुल्क नाम के ग्राहक ने जबलपुर में जोमैटो के खाने का ऑर्डर किया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि राष्ट्रपति के मंजूरी के साथ ही 3 तलाक बिल बना कानून 19 सितंबर 2018 से लागू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही 3 तलाक बिल अस्तित्व में आ गया है। यह कानून 19 सितंबर से लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि 3 तलाक बिल सदन के दोनों सदनों से पहले ही पास हो चुका है। मोदी सरकार ने इस बिल को 25 जुलाई को लोकसभा और 30 जुलाई को राज्यसभा में पास करवाया था। बिल के कानून बनने के बाद 19 सितंबर 2018 के बाद जितने भी मामले 3 तलाक से संबंधित है उसी सब पर निपटारे इसी कानून के तहत किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े थे। इससे पहले विपक्ष की बिल की सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग भी सदन में गिर गई थी। वोटिंग के दौरान बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में 84 जबकि विरोध में 100 वोट पड़े थे। और साथ ही राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास होने के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे ऐतिहासिक बताया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि जो कि यूपी से है, किताबों के बाद अब पत्थर के शेर की चोरी मामले में फंसे आजम खान। जी हाँ दोस्तों, सपा सांसद मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले जमीन हथियाने के 27 मामले, फिर बीजेपी महिला सांसद रमा देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी और अब फिर किताबें चोरी और पत्थर के शेर की चोरी करने के मामले उन पर सामने आ गए हैं। पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी से पत्थर के शेर बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि यह शेर वे शेर हैं जो कि रामपुर क्लब के गेट पर लगे थे जहां से चोरी हो गए हैं। मंगलवार को रामपुर के एसपी जसपाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने आजम खान की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से चोरी की गई किताबें बरामद की थी। कुछ लोगों ने पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और आज उन्हीं से पूछताछ के बाद पुलिस ने फिर से छापा मारा है। आपको बता दें कि मदरसे से किताब चोरी करने के मामले में पुलिस ने आजम खान की यूनिवर्सिटी में छापेमारी की थी। इस छापेमारी में वहां से चोरी के लगभग 2500 किताबें बरामद हुई हैं, जिसमें से मामले के बाद 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल यह मामला मदरसा आलिया के 9000 से अधिक किताबें चोरी हुई है, जिसमें से कई दुर्लभ पांडुलिपियां भी चोरी हुई है। चोरी हुई किताबों में आजम खान की यूनिवर्सिटी में होने का शक बताया जा रहा है। रामपुर जिला प्रशासन अब सांसद आजम खान के हम सफर रिसोर्ट पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि उन्हें सिंचाई विभाग के नाले के 1000 गज जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। जिला प्रशासन आजम खान पर शिकंजा कसता जा रहा है। 5 दिन पहले उनकी जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर तोड़ने के आदेश दिए गए थे, जब आजम पर
हम सफर रिपोर्ट की प्रशासनिक के निशाने पर आ गए हैं। जिला अधिकारी ने बताया है कि हम सफर रिपोर्ट में 1000 गज जमीन पर कब्जा किया गया है। आपको बता दें कि जौहर विधि में यह छापा उस वक्त पड़ा जब पहले से ही आजम खान जमीन कब्जाने के कई मामले पर घिरे हुए हैं।